तो हम लोग आ गए हैं सी लाइन केव्स के पास। देखा होगा आपने रास्ता, रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल था, ज़बरदस्त है। यहाँ से पूरा जो रास्ता है सियाटल तक का, ये रोड को बोलते हैं 101 हाईवे का नंबर है ये। तो ये जो 101 का रोड है ये बहुत ही सीनिक रोड है, इसका नाम ही 101 सीनिक रोड है। तो कवर करेंगे जितना हो सके उतना। अभी चलते सी लाइन केव्स के पास, कम लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द लिटिल टेस्टर। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक देन प्लीज गो एंड डू सब्सक्राइब। और अगर आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच इट, क्योंकि फिर वो एक कंटिन्यूएशन रहता है। जैसे आज का व्लॉग है कंटिन्यूएशन पिछले व्लॉग का और हमारे ये ओरिगन सीरीज का। आंटी आप हमें ऐसा 70 फीट नीचे जाते हो, पानी में बोले नहीं पानी का तो नहीं, चलो जी तो। आंटी पानी में, आंटी आपको पानी का तो आपको धोखा देते हैं। मैं आम ना चाहती हूँ, हम लोग सब वॉक कर रहे हैं बहुत, जैसे अभी थोड़ा दूर है यहाँ पे लिफ्ट है, यहाँ से जो है हम लोग लिफ्ट पकड़ के नीचे जाएंगे और फिर सी लायंस को देखेंगे, सी लायंस को। चलिए, बहुत ही ठंड है, ठंड में सबकी कुल्फी जम रही है, कुल्फी। सिर्फ एक हुसैन भाई है जो शॉर्ट हैंड शर्ट में, शॉर्ट हैंड शर्ट में। हुसैन भाई क्या पी के आए बताओ, हुसैन भाई कुछ तो टॉनिक पिए भाई, टॉनिक पिए हुसैन भाई। गंदी गंदी सोच मत रखो, टॉनिक का मतलब है कॉफी, कॉफी पी के आए। क्या हुआ आंटी, ठंड लगती है आपने छोटी हंसी मुझे बस। ये अजलान और आयशा, पीछे अंकल और आमना, माँ बेटे जाते हैं। समुंदर जो है बहुत ही खूबसूरत है, समुंदर भी देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। चलिए चलिए चलते हैं और फिर एलिवेटर पकड़ते हैं, कम लेट्स गो। हम लोग ऑलमोस्ट वो उतना नीचे तक जाने वाले अब। 160 feet. पानी करने को जाना है। Thank you. Are you here? Okay. Look at what? Careful. Samal. Samal Gandhi. Slip out Gandhi. Samal Gandhi. How is skeleton? Bhi hai? ये देखिए, ये जो है ये पूरा ये पत्थर है, केव से ना पूरे पत्थर ही थे निकले, पूरा केव से ये पूरा। हम लोग आए इस लिफ्ट से और फिर लिफ्ट उतरा और पूरी पूरा केव से। क्रिएट क्या भी नहीं अंकल, नेचुरली थे उसको रास्ता बना कर सब भी करा था।
सील है, इनका स्केलेटन रखा है इधर इन लोगों ने। बट अदरवाइज को देखते हैं अपन, ये देखिए उधर भी, लेकिन उससे पहले एक बार सीलेंस के पास चलते हैं। चलिए और एक तो सीलेंस को तो आपने देखा होगा, बहुत ही मजा आया सीलेंस को देख के। अभी ऊपर एक केव का यहाँ पे एक वॉक एरिया है, ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या है। कम लेट्स गो। ये पत्थरों पे लाइट लगा के इन लोगों ने इसको और थ्रिलिंग वाला एक्सपीरियंस कर दिया। अब आया असली मजा, लिफ्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है। लिफ्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, ऊपर डोर से बस हो नहीं रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर इधर ही टाइम पास करेंगे, क्योंकि ऊपर पैदल चल के जाना तो भाई एक तो मुझे स्टेयर्स दिखे नहीं, और दूसरी बात दिखे भी तो 120 फीट एलिवेशन ऊपर है वो, तो बहुत ही मुश्किल है पैदल चल के जाना। तो लिफ्ट का वेट करते हैं और इस बीच वापस से एक बार एक घूमते हैं। चलिए हमी गंजा अस्लान, हमी करे चलो अस्लान। तो फाइनली लिफ्ट रिपेयर हो गया है, तो अभी हम लोग अंदर आ गए। आए डेकर के देख लेके इंडिया में ला लेंगे। ये बार ये है टॉपिक, घर इंडिया से ला लेंगे डेकर के आइटम्स देखे, ये टॉपिक चल रहा है अभी घर पे सॉरी कार में। बट एनीवेज हम लोग जो है अभी निकले हैं यहाँ से कार में। अच्छा वीडियो, हाँ तो अभी हम लोग यहाँ से निकले। नेक्स्ट स्टॉप जो है सीलेन गेट्स के बाद, हमारा नेक्स्ट स्टॉप का नाम है थॉट्स वेल। आइडियली वहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा, हमें ये पता चला कि वो एक कुएं के टाइप्स का है जहाँ से पानी जो है ऊपर उछलता है, तो उसका नाम दिया थॉट्स वेल। चलते हैं उधर और जाके उधर देखते हैं थॉट्स वेल में है क्या, और वो आप तक भी लेके आएंगे हम लोग। चलिए अभी चल रहे हैं हम लोग। वैसे आयत क्या खा रहे हैं? आयत आयत पॉपकॉर्न एंजॉय कर रही है, और हम लोग अजलान को एंजॉय कर रहे हैं। अजलान जो है, अजलान को अंदर ही रहना है, अजलान को बाहर आना ही नहीं है। अजलान को वो स्टेप्स जो है बस वो चढ़ते और उतरते रहना है। चलिए एनीवेज चलते यार अभी। Oh, 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 oh
हम लोग पहुंच चुके हैं थॉर्सवेल। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये एक बाउडी जैसा आपको दिखेगा जहाँ पे लोग खड़े हैं। ये जो वेल है इसमें पानी जो है अंदर जा रहा है और फिर एकदम से पंप होके ऊपर मार रहा है। तो यही है थॉर्सवेल। हम लोग नीचे नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक तो बहुत स्लिपरी है और दूसरा अजलान सो रहा है। तो थॉर्सवेल के मजे इधर से ही देख के लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जो है रिप्लीज बिलीव इट और नॉट। रिपलीज बिलीव इट और नॉट के जो रिपली है जिनका ओरिजिनल नेम है रॉबर्ट रिपली, वो दुनिया भर घूमे और उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें समझी जो सच है। इनफैक्ट वो इतनी सच है कि लोग यकीन ही ना करें। ऐसी ऐसी चीजों को उन्होंने अपने किताब में लिखा। ये जो मैप है और इसमें जो लाइट्स है ये बताते हैं कि रॉबर्ट रिपली इस जगह पे गए पूरी दुनिया में। और मुझे देख के हैरानी भी हुई कि जो विजयनगरम विशाखापट्टनम विजयनगरम के बाजू में जो डॉट है वहां पे भी गए क्योंकि वो मेरा होम टाउन है श्रीकाकुलम और मोस्ट लाइकली वहां पे शायद ये कलिंगपट्टनम पोर्ट पे ही उतरे होंगे। हम लोग घूम रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या ऐसी अजीब अजीब चीजें हैं और क्या क्या अजीब अजीब लोग हैं दुनिया में जो हमें नहीं पता। जैसे ये इंसान जो अपनी आंखों को बाहर यानी आंखें मतलब जो आईबॉल्स है उनको बाहर लेके आ सकते हैं और ये दुनिया के सबसे ऊंचे इंसान। और इनसे मिलिए इनके हैं तीन पैर। और इस बछड़े के हैं दो सिर। और ये ज़ीब्रा के आप ही काउंट करिएगा कितने लेग्स हैं और कमेंट करके बताना। ये वुडन वेस्पा देख के तो मुझे मेरी बचपन याद आ गई जब मैं मेरे मामू के साथ उनकी स्कूटर पे बहुत घुमा करता था। और ये स्पेस और साइंस रिलेटेड भी रखा है यहाँ पे। सबसे रिप्लीज बिलीव इट ऑन में सबसे कूल ऐसे बहुत सारे चीजें कूल ही है इधर। सबसे कूल मुझे ये दिखा जहाँ पे मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ। ये देखिए पूरा क्या जबरदस्त है खतरनाक। थैंक यू आयत। और सबसे खतरनाक तो ये भाई साहब है जो इधर फोटो ले रहे हैं। मैंने एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि ये रियल है तो मैं क्रॉस कर रहा था फोटो ऐसे आई एम सॉरी। फिर बाद में पता चला कि ये सिर्फ एक गुड़ी है। इट्स नॉट रियल इट्स फेक। कम आयत इसीलिए शायद इसको बोलते हैं प्लीज बिलीव इट और नॉट। कम आयत रिप्लीज बिलीव इट और नॉट से हम लोग निकल चुके। खाना हमने उधर ही खाया जो मैं फिल्म करना भूल गया। वैसे हम लोग हमारे साथ ले गए थे अचार और वाइट राइस चावल तो वही हम लोगों ने दोपहर को खाया। और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप जो है लॉन्ग बीच। हाँ बीच का नाम ही लॉन्ग बीच है। चलिए चलते उधर और देखते हैं वहाँ की खासियत क्या है। जा रहे थे लॉन्ग बीच लेकिन हमें रास्ते में दिखा ये चेरीज का शॉप तो हम लोग रुके चेरीज खरीदने के लिए। खरीदते चेरीज और फिर निकलते हैं। हम लोग बीच में ब्रेक लेते लेते हुए अभी जो है आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्रिज है। ये जो जहाँ पे अभी एग्जैक्टली हम लोग इस जगह का नाम है एस्टोरिया और जो ब्रिज है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं कैमरा को स्विच करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। आई डोंट नो कितना दिखेगा क्योंकि बहुत क्लाउडी है इधर। बट लेट्स लुक एट दैट ब्रिज। और उस ब्रिज के पार करते हुए अपन दूसरी साइड जाएंगे। तो चलिए चलते ऑलमोस्ट आ गए हम लोग वेरी क्लोज वेरी क्लोज टू लॉन्ग बीच। बस 15 मिनट की दूर है। चलिए अब वो ब्रिज का एक्सपीरियंस लेते हैं। कम लेट्स गो।
ये ब्रिज खूबसूरत तो है ही, बट इसके साथ साथ इसकी एक और खासियत ये भी है कि आधा जो ब्रिज है ये ऑलमोस्ट फ्लोटिंग टाइप है, यानी ये पानी पे फ्लोट होता है। यार हम लोग पहुंच चुके हैं लॉन्ग बीच पे। लॉन्ग बीच की खासियत ये है कि आप जो है बीच पे अपनी गाड़ी लेके ड्राइव कर सकते हैं इधर। भाई साहब बहुत ही मजा आ रहा है, ये पूरा समंदर है इधर। और ये जो बीच की खासियत है लॉन्ग बीच की, यहाँ पे जो है आप ड्राइव कर सकते हो गाड़ी को। ये पीछे पूरा समंदर और ये हमारी गाड़ी रही उधर, उधर से आ रही है अपनी गाड़ी। वो जो है गाड़ी है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आए तो चढ़ते और फिर चलते हैं। यार बहुत ही ठंड है वैसे, बट देखो आपके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठंड में भी नीचे उतर के ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। प्लीज सब्सक्राइब करो यार चैनल को प्लीज। गाड़ी चली गई उधर, अरे तेरी जबरदस्त। हम लोग ऐसे ही गाड़ी के मजे ले रहे चला चला के इधर बीच पे, देखते हैं यार। अभी यहाँ पे रेस होने वाला है, दोनों जो है गाड़ी उधर है आमना और आयशा की, देखते हैं कौन पहले आता है। चलिए ब्रेक। ये आ गई हमारी गाड़ी, क्या उड़ाए गाड़ी को। इसी के साथ जो है हमारा ये ट्रिप का ये जो है लास्ट स्टॉप था जो कवर हुआ। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से घर, वापस घर चलते हैं, बट खाना खाते हैं यार, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 8:40 रात के। हाँ रात के 8:40 हो रहा है। ओके गाना डालेंगे अजलन को भी। रास्ते में कुछ ढूंढते हैं जगह खाने के लिए, खाते और फिर घर चलते हैं। यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव है आयशा, 3 घंटे इसमें, 3 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। 8:40 टाइम है, खाने के लिए 1 घंटा भी ले लिया हम लोग, 9:40 भी हो गया, 4 घंटे हो गए, 9, 10, 11, 12, 12:40 रात के 1 बजे तक तो पहुंच जाने चाहिए इंशाल्लाह। चलिए यार अब यहाँ से चलते हैं। आयत वेट, चलो कम चलो समझा दो। हाँ यस हाँ छोटे निकालो देखो। अभी टाइम हो रहा है रात के 11 o'clock, हम लोग जो है हाफ वे पहुंच चुके हैं, अभी खाने के लिए रुके हैं। भूख बहुत ही जोर से लग रही है, 11 बज गया। वैसे रास्ते में हम लोगों ने जो भी स्नैक्स थे वो सब ट्राई किया खाया, बट अभी जो है खाना खाने के लिए होटल आए शारिश करके, यहाँ पे एक आउटलेट है, रेस्टोरेंट है, तो उधर आए हम लोग, इधर खाना खाते और फिर निकलते हैं यहाँ से घर। चलिए अब दिखाते आपको खाने में क्या आया आपको। तो हमारा खाना आ गया, हम लोगों ने ऑर्डर किया है, पहला डिश है हमारा ये एवोकाडो और एग का एक डिश है, और दूसरा है वेज ऑमलेट, उसके साथ मिला है हैश ब्राउन्स। हैश ब्राउन्स यानी आलू को जो है स्लाइटली फ्राई किया जाता है वो, और बच्चों के लिए पैनकेक्स भी ऑर्डर किया। और तो खाना हो गया हमारा, अब हम लोग जा रहे हैं घर। यार यहाँ से 2 घंटे का ड्राइव है घर, घर पहुँचते और फिर जाके सोते, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock हो गया ऑलमोस्ट। घर पहुँचते पहुँचते इंशाल्लाह 2 बज जाएंगे, बट इसी के साथ हमारा ट्रिप भी ख़त्म होता है और आज का ये व्लॉग भी ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आए देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, कमेंट कीजिएगा टू शेयर योर थॉट्स, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत खुशी होती है। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द लिटिल टेस्टर, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, दुआ में याद रखिए आयत, अल्लाह हाफिज। आयत उधर आयत, आयत अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़।